नौकर जहरा दी। एक दफा जल्दी जल्दी करके सारे नौकर हैं हाथ उठाइएगा, एक हाथ उठा के अल्लाह करे हमारा ये हाथ नौकरी के लिए कबूल हो जाए, कोई हाथ नीचे न रहे। दाया हाथ उठा के सईदा के नौकरों में नाम लिखवाना है, सीधा जन्नत का टिकट मिल जाएगा। इन हाथों को हिला हिला के सभी कहिएगा होते टेर मटे लाजपाल ने नौकर जहरा दे। नौकर जहरा दे हाँ बे नौकर जहरा दे। जिले भाई किधर हैं? जिले भाई आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। रहते मरण तो बाद भी नाल ने, रहते मरण तो बाद भी नाल ने नौकर जहरा दे। नौकर जहरा दे। एक दफा नौकर दोनों हाथ उठाएगा और बोलिएगा सुभान अल्लाह। सारे बोलो सुभान अल्लाह। हजरत पीर मेहर अली शाह को स्टेशन पे अंग्रेज मिला, अंग्रेज के कंधे में पिस्तौल है, पीर साहब के हाथ में तस्बीह है। मैं करवाता हूँ, सब कुछ हो जाते हैं, मुझे पढ़ लेने दें, मुझे सब कुछ पता है, मैं सारा कुछ करवा के आपको इंशाल्लाह इजी कर दूंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। लेकिन सुभान अल्लाह बोले, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। नाद सुननी है कि शक्ल देखनी है? मोहब्बत के साथ दोनों हाथ उठा के कहे सुभान अल्लाह। पीर मेहर अली शाह को स्टेशन पे अंग्रेज मिला, अंग्रेज के कंधे पे पिस्तौल है, बाबा जी के हाथ में तस्बीह है। अंग्रेज बाबा जी से पूछता है, बाबा जी ये क्या है? बाबा जी कहते हैं पहले तू बता कि ये क्या है। अंग्रेज कहता है ये मेरा हथियार है। पीर साहब कहते हैं ये मेरा हथियार है। अंग्रेज पूछता है आपका हथियार क्या करता है? पीर साहब कहते हैं पहले तू बता तेरा हथियार क्या करता है। उसने गोली चलाई, दरख्त में परिंदा बैठा हुआ है, उसने गोली चलाई, परिंदा मर के जमीन में आ गया। पीर साहब परिंदे के पास गए, अब देखिएगा कौन सुभान अल्लाह कहता है कौन चुप कहता है। पीर साहब परिंदे के पास गए, आपने तस्वीर लगाई, जो परिंदा मर चुका था वो तस्वीर लगाने से उड़ना शुरू हो गया। अंग्रेज पूछता है बाबा जी ये क्या बात है, हमें बताइए तो सही ना। पीर साहब कहते हैं और सुन लो, तुझे पता नहीं होते तेर बटे लाजपाल ने नौकर जहरा दे। नौकर जहरा दे। मगन तो बाद भी नाल नौकर जहरा दे। एक दफा जगह दोनों हाथ उठा के बुलंद आवाज के साथ सागे बोलो सुभान अल्लाह। आइए, मैं अपने ईमान से दावत दे रहा हूँ, मकबूली एक बोझम सना खान मुस्तफा किसी तारीफ के मोहताज नहीं, हर लिहाज से हमसे बड़े भी हैं, गलती भी हम करते हैं, और आगे से फिर आप मुस्कुरा के तो गुस्सा नहीं करते हैं, मगर मुस्कुरा के हमें स्माइल दे के तो आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और ये महफिल इनको पता है, सबको पता है कि ये महफिल बिल्कुल जो डेट कारी साहब देते हैं उसी डेट पे सजाई जाती है। दो तीन डेटें आगे पीछे हुई, मगर जो इन्होंने हमें हुक्म किया उसी पे महफिल सजी है, और इंशाल्लाह ये सजती रहेगी जब तक हमारे सांसें चल रही हैं। बज़्म-ए-शाह-ए-उमम के अराकीन इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे हैं तो
तो ये महफिल तब तक इंशाल्लाह चलती रहेगी इंशाल्लाह। मैं दावत दे रहा हूँ आसिफ भाई, तारक मदनी साहब, उस्मान साहब, साद हसन हाशमी साहब, हामिद साहब, हामिद अली कादरी साहब, हामिद दिया साहब, जितने भी दोस्त इनके साथ हमारे आए हैं, मैं सभी को खुश आमदीद का, फरीद भाई हैं, जितने भी अहबाब इनके साथ हैं, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूं। और आसिफ भाई की बड़ी मोहब्बत है, ये हमारे साथ प्यार करते हैं, इनकी शफकत है, अल्लाह इनको सलामत रखे। मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खूबसूरत समातों की नजर अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब, हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी हाजगी पेश करते हैं। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ इस्तकबाल कीजिएगा नारे तकबीर। ऐ मौला उसके हाथ किसी दुनियादार के मोहताज ना रहे, जो दोनों हाथ उठाए ये हवा ये फिसा ये दरो दीवार गवाह हो जाए, कयामत के दिन ये हाथ हमारे हक में उठ के बोले अल्लाह जब तेरे नबी का नाम आता था तो हम उठ के कहते थे नारे रिसालत नारे रिसालत, सीने दा तेल लाके पंच नारे पंच तनी सवा लख नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत। अलहाज कारी शाहिद महमूद कादरी साहब।